शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। बर्थडे तुम्हारा ही है ना, तो फिर और किसके लिए होगा ये सब? ये तो बिल्कुल सपनों जैसा है। आज तक हमने कभी अपना जन्मदिन ऐसे नहीं मनाया। आप लोगों ने इतना कुछ किया हम जैसी अनाथ लड़की के लिए। खबरदार, जो अपने आप को अनाथ कहा तूने, मैं तेरी बहन नहीं हूं क्या? पापा ने तुझे मुझसे कम प्यार किया क्या अंजलि? अंजलि, ये मैं तेरे बर्थडे के लिए लेकर आई थी, जा जाकर चेंज करके आ जा। और हाँ, साथ में ये भी पहन कर आना। अब जब बर्थडे गर्ल आ जाएगी तब हम सब केक कट करेंगे। हम बस यूं गए और यूं आए। अंजलि, ये अपने बाकी सारे गिफ्ट्स भी तो ले जाओ। यश, तुम भी जाकर चेंज कर लो, मैं तब तक कैंडल्स लगा देती हूँ केक में। हैप्पी बर्थडे अंजलि। मुकेश, मेरी बेटी के मरने का जश्न मना रहे हो? क्यों मुकेश, क्यों? सुबोध, क्या बात है बेटा, तुम इतने गुस्से में क्यों? कुछ हुआ क्या? मैं बताता हूँ यशवंती, क्या हुआ है। राजवती उमा और अलका ने मिलकर के बहुत ही भयंकर साजिश रची है। साजिश? कैसे साजिश भाई साहब? इन तीनों ने झूठ बोला कि यश की पहली शादी 90 दिन में टूट जाएगी, जबकि मैंने तुम्हें साफ साफ बताया था कि यश की कुंडली में जो दोष है उसकी वजह से जो भी लड़की यश से शादी करेगी वो 90 दिन में मर जाएगी। मैं
सालों से आपकी कड़वी बातें सुन सुन कर अपने अपने मन में कभी भी आपके लिए कड़वाहट नहीं लाई, लेकिन जीजी ये जो आपने किया है ना, आपका सम्मान करना तो दूर, कभी आपसे बात भी नहीं कर पाएंगे हम। अब हम आपको कभी जीजी कहकर नहीं बुला पाएंगे, क्योंकि क्योंकि आप जीजी कहलाने के लायक ही नहीं हो। संभालिए, बच, 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 आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आप प्लीज शांत हो जाइए ना। सबके सब खूनी हो आप, सब खूनी हो भाई साहब। अलका भाभी ने कहा था हमें, मैं मानता हूं कि अलका के दिमाग से उपजा हुआ जहर था, लेकिन आप लोगों ने उसे रोकने के बजाय उस पाप के भागीदार बन बैठे। ताई जी, आप तो बड़ी हैं हम सब की, अगर ये लोग गलत रास्ता अख्तियार कर रहे थे तो आपको तो रोकना चाहिए था, क्यों नहीं रोका आपने? तुम तीनों ने बेशर्मी और क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। अगर तुम इस परिवार का हिस्सा नहीं होती ना, तो मैं खुद पुलिस को बुलवा करके तुम तीनों को गिरफ्तार करवा देता। और ऋचा, तू तूने भी छल किया है मेरे और अंजलि के साथ। मैं खुश हो रहा था कि मेरी ऋचा कितना ख्याल रख रही है अंजलि का, पर मुझे क्या पता था कि मेरी खुद की बेटी अपने अपराध बोध के कारण ये सब कर रही है, और उसी अपराध बोध की वजह से तो अंजलि का जन्मदिन इतने तामझाम से मना रही है। क्यों ऋचा, क्यों? पापा, जब मुझे भी सच्चाई के बारे में पता चला था, मुझे भी इतना ही बुरा लगा था पापा। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, लेकिन सच तो यही है कि जो हो चुका है उसे कभी बदला ही नहीं जा सकता। तो अंजलि के पास जो बचे कुछ दिन है। नहीं, भले ही तुम सब इस गिनौने सच को स्वीकार कर लो, पर मैं नहीं कर सकता। अंजलि को अपनी बहन मानती थी बचपन से लेकर, तेरी खुशियों को सबसे ऊपर रखा, तूने इस बात को स्वीकार कैसे कर लिया कि शादी के 90 दिन के अंदर अंजलि तेरा दिल कैसे मान गया? ऋचा, कैसे कैसे स्वीकार कर लिया तूने? इतनी स्वार्थी कैसे हो गई तू? ये घर सजाकर, ये गुब्बारे लगाकर, ये इतना बड़ा केक काटकर तू अपने अपराध बोध से मुक्त हो जाएगी। बोल ऋचा, बोल, हो पाएगी? नहीं चाहिए ये सजावट।
नहीं चाहिए बिना मतलब का घोषणा, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तुम लोग मिलकर मेरी अंजलि के मरने का इंतजार कर रहे हो, या इसका जन्मदिन मना रहे हो, या उसके मौत का जश्न। मेरी अंजलि को तो ये भी नहीं मालूम है कि 90 दिन में से उसके पास एक भी महीना नहीं बचा है।